नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम है आज़ादी पूर्वी राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो बनने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे वो रीट हो जाए, CET 12th लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम ही क्यों नहीं हो, चाहे RS का एग्ज़ाम हो, SI, CET, पटवार, LDC, कॉन्स्टेबल, आज दिन तक के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बनेंगे, क्योंकि जो आपका बेस लेवल होता है RBSC और NCERT की पुस्तक, उन्हीं में से हमने वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह जो हैं वो किस दिन होते हैं। तो आखा तीज के दिन होते हैं, ठीक है, अक्षय तृतीया जिसे कहते हैं, आखा तीज, उसी के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था मध्यकाल में, तो वो किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा। देखिए, अकबर और तुगलक जो था वो भी सती प्रथा के विरोध में थे, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया था, तो वो थे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय जो हैं उनको राजा की उपाधि जो है वो अकबर सेकंड के द्वारा दी जाती है, ठीक है। किसके प्रयासों से सती प्रथा का कानून जो है वो बना था, राजा राम मोहन राय के ऊपर। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया था, तो वो बनाया जाता है 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से प्रश्न। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था, तो वो जयपुर के द्वारा पारित किया जाता है। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो थी कोटा। कोटा के बाद कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाले रियासतें थी, तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर जो है वो प्रमुख रियासतें थी। नेक्स्ट में तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यह आवाज़ उठाई जाती है। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया था, तो 10 दिसंबर 1903 को अलवर के द्वारा बनाया जाता है। दास प्रथा को किस नाम से जानते हैं, तो उसे चक्कर और हाली प्रथा के नाम से जानते हैं। जो दास होता है वही हमारा हाली होता है, ऐसा कहा जाता था पहले, तो दास प्रथा जो है वो हाली प्रथा के नाम से जानी जाती है। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया था, तो वो किया जाता है 1833 ईस्वी में। राजस्थान के किन राज्यों में डाकन प्रथा का प्रचलन अधिक था, तो वो था मेवाड़ और कोटा राज्य, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डाकन प्रथा का प्रचलन जो है वो अधिक देखने को मिलता है। डाकन प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी, तो 1853 में राजपूताना जो AGG हैं उनके द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया था, तो इंडिजीनियस एजुकेशन अर्थात देसी शिक्षा के नाम से उसको